सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उन्होंने दवा सुल्ताने मुअज्जम को नहीं बल्कि हमें दी है। ये आपने क्या किया सुल्ताना? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा। शहर का दरिया तो, दरिया तो शहर का। इस्माइल पाशा ने मारा है तबीब को। मतलब ये उनकी मंसूबाबंदी थी, लेकिन ये सब कैसे मालूम है आपको? हम इस्माइल पाशा की मदद कर रहे थे। बताता हूं तेरी आग के बारे में, लिख कर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए अब्दुल हमीद के खिलाफ फतह की खबर लाया हूं। अब अहमद पाशा हमारे लिए काम कर रहा है। हम अपने एक भरोसेमंद आदमी के जरिए उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। ज़ुल्फ़ुल इस्माइल पाशा, हम ठीक हैं, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आपका मकरूज नहीं किया। सूरज किसी ऐसी चीज के पीछे चला जाए जिसे आप छोटा ख्याल करते हो तो उसका साया तवील हो जाता है जनाब हेकलर। आपके पीछे तन्हा सूरज मैं हूँ जनाब फर्नांडिस, इसलिए आप जाकर अपना साया कहीं और डालिए, जाइए, मैं मसरूफ हूँ बहुत। जनाब, सलानिक मैसन लॉज ने अजीम लॉज बनाने के लिए दरकार मोहरे जमा कर लिए हैं, वो तस्दीक के लिए आपकी मोहर के मुंतजिर हैं। सुल्तानी मौसम, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक हैं। हम कितना वक्त सो रहे हैं, हमें अपनी नमाजों की कज़ा अदा करनी है, लेकिन इससे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं। आइए। बैठिए पाशा। नहीं सुल्तानी मौसम। हम कह रहे हैं बैठिए। पाशा, हमें दोबारा बताइए कि क्या वाकया पेश आया था। सुल्तानी मौसम, जब आप बीमार हुए तो हमने यूरोप से अमराज गुर्दा के माहिर एक तबीब को बुलवाया था। वो उस वक्त आए जब आप आराम फरमा रहे थे, लेकिन उन्हें बंदरगाह पर ही मार दिया गया। सुल्तानी मौजूम, उनके साथ एक मुआविन भी था, एक नौजवान। उसने हमें बताया कि वो तबीब के नुस्खे के बारे में जानता है। उसने हमारे मौलिजिन की निगरानी में दवा तैयार की। उस दवा की तैयारी के दौरान सुल्तानी मौजूम, उस बदबख्त ने न जाने किस तरह से उस तैयार शुदा दवा में जहर शामिल कर दिया। ये बताइए कि वो दवा
मलिका बीदार पर आजमाने की किसने इजाजत दी थी? सुल्तान मौसम, बीदार सुल्तान की यह ख्वाहिश थी कि दवा पहले उन पर आजमाई जाए। इसरार किया उन्होंने, चूंकि दवा हमारे मौलजिन की निगरानी में तैयार की गई थी, इसलिए वो दवा बीदार सुल्तान को दे दी गई। मालूम होने पर मैंने अंदर जाकर कहा कि दवा जहरीली है। और ये आपको कैसे मालूम हुआ? अहमद पाशा, सुल्तान मौसम, अहमद पाशा ने मुझे एक खत भेजा था कि दवा के जरिए सुल्तान मौसम को जहर दिया जाएगा। मैं जल्दी से अंदर गया, लेकिन देर हो चुकी थी सुल्तान मौसम। तो अहमद पाशा ने खबरदार किया था? हम एक एक कदम बढ़ेंगे पाशा, अब्दुल हमीद के मुखालिफ, यानी कि हमें जल्द ही नौजवानों पर रियासती दबाव बढ़ाना होगा। यानी हम दबाव के जरिए मुखालिफत को हवा देंगे, जैसे लोहे को सर्प लगाई जाती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस दबाव की वजह से नौजवानों में बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। यानी बैरून मुल्क हिजब इख्तलाफ मजबूत होगी। बरतानिया उन तलबा को परवाने राहदारी फराहम करेगा। बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने वाले तलबा को पकड़कर आप पहला इकदाम करेंगे। बहरान बढ़ेगा, वो आगे जानते हैं कि क्या करना है। ये तमाम इकदामात करते हुए क्या आप जानते हैं कि मुझे किस चीज के बारे में तजस्सुस है? मनियास रफीक साहब, मैसन पाशा कौन है? क्योंकि हम जिस ताकत को नहीं जानते, वो हमेशा रुकावट का बायस बनती है। अगर वो जुलुफ्लू था तो उसे जिलावतन कर दिया गया है। इसका मतलब अब सिर्फ एक ही नाम बचता है, सलीम पाशा। मुझे नहीं लगता कि वो सलीम पाशा है। हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, अपने काम पर तवज्जो दें। समझ गया। मैं कुछ अरसे सामने नहीं आऊंगा, मंसूबे को मुख्तलिफ लोग संभालेंगे। सुल्तान मौसम, एक और मसला भी है। वो क्या? कुछ लोगों ने इस्माइल पाशा को तबीब को गोली मारते हुए देखा है। उसके बाद जब हमने तबीब के मुआविन से तफ्तीश की, मालूम हुआ कि उसे इस्माइल पाशा ने हुक्म दिया था। इस्माइल पाशा? लेकिन वो तो हमारे लिए काम कर रहे थे, उन्होंने दिए गए हर हुक्म की तामील की। क्या आपने उस नौजवान मुआविन से तफ्तीश की? और क्या आपने उसका इतराफ खुद अपने कानों से सुना है? जी सुल्तान मौसम। इस्माइल पाशा को फौरी तलब कीजिए। सुल्तान मौसम, जब आप बेहोश थे तो मुझे बहालत मजबूरी इस्माइल पाशा और अहमद पाशा पर शुबहात के बारे में वजीर आजम साहब को बताना पड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वजीर आजम साहब ने उन दोनों की गिरफ्तारी का फौरी हुक्म दे दिया, लेकिन उन्हें इस्माइल पाशा के तबीब को कत्ल करने का इल्म नहीं था। फिर भी उन्होंने इस्माइल पाशा को जिलावतन करने का फैसला कर लिया। सुल्तान मौसम, इस्माइल पाशा को जहाज के जरिए रवाना कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? वजीर आजम साहब ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं? मैंने भी यही कहा था सुल्तान मौसम, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सुल्तान मौसम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जब तबीब के मुआविन ने इस्माइल पाशा के नाम का एतराफ किया तो वाज़ेह हुआ कि यह फैसला ठीक था। हमारे भाई ज़ुल्फ़ुल इस्माइल पाशा, क्या वही मेसन पाशा थे? नहीं मालूम सुल्तान मौसम, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने हमारा एतमाद जीतने के लिए तमाम अहकामात की तामील की हो और इसकी आड़ में आपके कत्ल का मंसूबा बनाया हो। पाशा, हम नहीं जानते कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन, कौन भेड़िया है कौन गीदड़ है, कौन गद्दार है और कौन मुखलिस और वफादार। मुश्किल यह है कि बातिल ने हक का लबादा ओढ़ रखा है। यह ऐसा है जैसे कोई इमारत मुनदिम हो गई और हम उसके पत्थर तलाश कर रहे हों और उन्हीं पत्थरों से दोबारा इमारत तामीर करने की कोशिशों में लगे हुए हों। हमारे हाथ में आने वाली हर ईंट बिखर जाती है। बोसीदा पत्थरों से इमारत नहीं बनाई जा सकती। ज़करियान,
मैंने तुम्हें एक जैकेट पहनाई है। ये क्या है जनाब, कोई खेल खेल रहे हैं? हाँ सही कहा, ये एक खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसके अलावा तत्तावली, हमें मजीद आदमी भर्ती करने की जरूरत है और इसके लिए हमें मजीद रकम मशरिक की जानिब भेजनी होगी। जितनी जल्दी हो सके रकम का बंदोबस्त करो। जनाब फ्रांसीसी बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, सब कुछ ठीक है। मैं हैरान हूं कि आप फ्रांसीसी माहिरीन को यहां क्यों लाए हैं। जाहिर है कि आप उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं लाए कि वो अपने काम में माहिर हैं। अपने फ्रांसीसी भाइयों को यहां लाने की एक वजह और भी है, वो हमारे इनकलाब को सबसे बेहतर समझते हैं। वो इस चीज को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि ये किसी को बताते भी नहीं। वो हमारे अजीम आर्मेनिया के ख्वाब को पूरा करने में सबसे बड़े हिमायती भी हैं। मुझे तो लगता है कि अशरफ अजीज इस काम को भी बर्बाद कर देगा। जकरियान ने अपने जज्बात का इजहार किया है। तुमने अब तक सब कुछ बर्बाद कर दिया है जकरियान, अब मैं तुम्हारे अंदर के जज्बात को बर्बाद करूंगा, जरा सब्र करो। जनाब जकरियान ठीक कह रहा है, अशरफ के खिलाफ एहतियात बरतनी चाहिए। लाओ अब मुझे अपना हाथ दो और इसे पकड़ो। शाबाश, और इसको भी पकड़ लो। बैठो बैठो। अब तुम एक मस्जिद में जाओगे और जमात के वस्त में जाके इन तारों को जोड़ दोगे। ऐसा मत करो मीका। तुम्हें ये अशरफ को रास्ता देने से पहले सोचना चाहिए था। जो कहा है करो, जाओ। मीका ऐसा मत करें। अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें अभी जोड़ दूं। हाँ कहा ना मैंने, जाओ। पिस्तौल नीचे करो वरना मैं सबको उड़ा दूंगा। उड़ा दो, तुम चाहते हो तो सबको उड़ा दो। चलो तुम ये कर सकते हो क्या? चलाओ, छोड़ो ये तारे, क्या सोच रहे हो? तुम नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हम सब साथ में मरेंगे। चलो वक्त आ गया है, चलो चलो। जनाब नहीं फटा जकरियान, ये नहीं फटा। तत्तावली, हम अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी पर बम लगाएंगे, चाहे हम उसके सर पर पिस्तौल ही क्यों ना रख दे, बम नहीं फटेगा। हम अब्दुल हमीद के करीब कैसे बम रखेंगे और कैसे धमाका करेंगे? हाँ कैसे? हमें दिखाओ जरा इस तरसील में आखिर है क्या। चलो जल्दी। ठीक है जनाब। जरा ये बस्ता भी खोलो और दिखाओ इसमें क्या है। बताओ बदबख्त,
ये हथियार यहाँ क्यों है? ये रकम कैसी है? ये अजीम आर्मेनिया का सिक्का है। क्या आर्मेनिया की अभी कम अहमियत है जो तुम अजीम बनाओगे उसे? गुस्सा मत कीजिए जनाब, शायद आज इन सिक्कों की कोई कीमत ना हो मगर 3-4 साल में ये कीमती हो जाएंगे। अगर आप मुझे जाने दे तो मैं आपके साथ इश्तराक कर सकता हूँ, मैं ये आपको दे दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। जो आज पैसों का गुलाम है वो कल किसी और के आगे बिक जाएगा। आसिफ, नादिर साहब, ये संदूक ले जाकर फौजी अफसरान के हवाले कर दें। रकम का जिक्र मत कीजिएगा, इसका मैं उन्हें खुद हिसाब दे दूंगा। ठीक है कमांडर। अब चलो और मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुम्हारी जहन साजी की जाती है। होशियारी मत करना वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। चलो। सुल्ताने मौसम, अहमद पाशा महल में आए हैं। उन्हें हमारे सामने पेश कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। हम बहुत डर गए थे कि शायद आपको खो देंगे, लेकिन शुक्र है कि आप ठीक हैं। अल्लाह का बे इंतहा शुक्र है कि आप और सुल्ताने मौसम दोनों ठीक हो गए। आपने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें दोबारा आप सबके खूबसूरत चेहरे देखना नसीब किए। वालिदा, आपके लिए फिक्रमंद होने वाला कोई और भी है। क्या वाकई? मैसियत, जब उन्हें मालूम हुआ तो फौरन चली आई। आपकी हालत बेहतर होने का इंतजार करती रही, फिर यहां से जाना चाहती थी लेकिन हमने इजाजत नहीं दी। आपने उन्हें जाने क्यों नहीं दिया बेटा? आप जानते हैं कि हम उन्हें यहाँ नहीं देखना चाहते। वालिदा, पुरसुकून हो जाएं आप, अभी आप मुकम्मल तौर पर सहतियाब नहीं हुई हैं। देखिए, आप अभी तक नहीं समझे कि हम ठीक कह रहे थे। इतनी ज्यादा एहतियात के बावजूद भी आपके बाबा पर एक बार फिर इकदामे कत्ल किया गया। हम तकरीबन मरने वाले थे। अभी तक आपको हमारी बात का, हमारे अल्फाज का यकीन नहीं आया क्या? वालिदा, आप और बाबा जैसे एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत भी ऐसी ही है बिल्कुल। क्या आप बाबा के बगैर रह सकती हैं? बिला वजह कोशिश मत कीजिए। हम उस लड़की को यहां नहीं देखना चाहते, कभी नहीं। आइए। सुल्तान मौसम। अहमद जलालुद्दीन पाशा, क्या वो तीर का सिरा अब भी आपके पास है? अगर ये तीर का सिरा आपके या हमारे पास रहा तो हमारी वफादारी का सबूत होगा। वफादारी खत्म। जी सुल्तान मौसम, अब भी मेरे पास है, लेकिन अगर हमारा एतमाद का रिश्ता कायम नहीं है तो उस तीर के सिरे को तीर पर लगाकर कहीं दूर फेंक देना चाहिए। आपने खत लिखकर हमारी जान बचाई है। सुल्ताने मौसम, अगर मैं आपके साथ होता तो खत लिखने की जरूरत पेश ना आती, लेकिन मुझे आपसे बहुत दूर कर दिया गया ताकि वो आराम से अपनी मर्जी के इकदाम कर सके। हमें इन सब पर तफसील से बात करनी है, बैठ जाइए। आपको हिसाब देना होगा पाशा। मैं हर किस्म का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। हमने आपको मना किया फिर भी आपने जुल्फुल इस्माइल पाशा पर गोली क्यों चलाई? वो एक गद्दार है। हमारे दरमियान मौजूद मैसन वही थे। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था लेकिन नहीं रख सका, झूठा इल्जाम लगाया था। यहां बात हमारी हुक्म अदूली की हो रही है। सुल्तान मौसम, सारी बातें जहन कबूल करता है मगर दिल हरगिज नहीं करता। हमें धोखा देने वाले और इल्जाम लगाने वाले के साथ हमने बहुत नरमी बरत ली,
जुल्फुलू इस्माइल पाशा एक रात हमारे कमरे में आए। हम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। हमें महसूस हुआ कि हमारे पीछे से कोई हमारे करीब आया है। हमने गोली चलाई जो उनके हाथ पर लगी। फिर जुल्फुलू इस्माइल पाशा ने पिस्तौल अपने सर पर रख ली। वो अपनी जान लेने वाले थे। हमने उनके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उनका खुद को मेसन कहना और उस सहाफी को गोली मारना हमारे मंसूबे का हिस्सा था। सुल्तान मौसम, फिर वजाहत देने के साथ साथ मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि उन्हें लगा कि आप हमें धोखा दे रहे हैं। सुल्तान मौसम, सब यही कहते हैं कि तबीब को इस्माइल पाशा ने कत्ल किया है। वजीर आजम साहब ने उन्हें जिलावतन कर दिया है। क्या आपको अब भी इस हवाले से कोई शुबा है? शुबा? हमें तो अब हर किसी पर शुबा होने लगा है। आप ही बताइए, आपको इस बात का कैसे इल्म हुआ कि उस दवा में जहर था? सुल्तान मौसम, इस्माइल पाशा की मदद करने वाली एक तंजीम है। उन्हें लगा कि वो बेकसूर है, इसलिए उनकी मदद की गई। लेकिन इस्माइल पाशा तबीब को मारने का मंसूबा बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे राबता किया और खुद उन्होंने मुझे ये बताया कि दवा में जहर है। वो कौन लोग हैं? मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ मालूमात ही दी गई थी। तहसीन पाशा को सब कुछ बता दिया था और मेरा बताया सच साबित हुआ। लेकिन अभी भी हमें आपके बारे में बहुत से शुभात हैं। मसलन, रेलगाड़ी से लिया गया अखबार आखिर कहां गया? गोली के मुतालिक तहकीकी दस्तावेज किसने तब्दील की और कातिब साहब को किसने मारा? सुल्तान मौसम, इस्माइल पाशा मुझ पर इल्जाम लगाकर अपना नाम साफ करना चाहते हैं, और जब मुझे अंदाजा हुआ तो मैंने जाकर सबूत बदल दिए। अस्करी मश्क के दौरान सब ने चार खोल उठाए, मगर आपने पांच खोल क्यों उठाए? ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने चार दफा ही गोलियां चलाई थी। हो सकता है कि पीछे से किसी ने एक और बार गोली चलाई हो। वो बंदूकें खास हैं और सिर्फ हमारे पास हैं। आपने इस बात की तहकीक करवाई है? क्या पूरे पाया तख्त में किसी और के पास ऐसी बंदूक नहीं? हम तहकीक करवाएंगे, लेकिन मकतूल कातिब के बस्ते से जो नाम बरामद हुआ वो सिर्फ आपका था। वो बस्ता तो कई दिनों तक गायब था। हो सकता है कि किसी और ने मेरा नाम लिखकर उसमें रख दिया हो। बस्ता कुफल बंद था और इस्माइल पाशा भी उन दिनों महल में नहीं थे। सुल्तान मौसम, क्या आपको लगता है कि इस्माइल पाशा अकेले हैं? महल में कोई और भी है जो उनकी मदद कर रहा है, और उसी ने मेरा नाम लिखकर बस्ते में डाल दिया होगा। और हमने आपको जहां छापा मारने भेजा था, सलीम पाशा उस जगह से सबूत जमा करके ले आए, और आपने कहा कि वहां कुछ भी नहीं था। जब मैं वहां गया तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सलीम पाशा, आप कहना क्या चाहते हैं पाशा? सुल्तान मौसम, मेरे हवाले से जो आपको शुभात है, वो रेल में मरने वाले उस शख्स के मुझसे अखबार लेने से शुरू हुए ना? बिल्कुल। सुल्तान मौसम, रेल में मरने वाला शख्स मुझसे मुलाकात के बाद निकला तो वो सलीम पाशा से टकराया और अखबार वहीं गिर गया। सलीम पाशा ने अखबार जमीन से उठाकर उसे वापस कर दिया। अगर उनका इस मामले से कोई भी ताल्लुक होगा तो शायद उन्होंने अखबार बदल दिया हो। जब मैं महल में नहीं था तो वजीर आजम के दस्तखत करदा खुसूसी हुक्मनामे भी बाहर तक पहुंचे। इससे साबित होता है कि अभी भी अंदर कोई गद्दार मौजूद है। शुबा, हमारे आसपास हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। सुल्तान मौसम, यकीन कीजिए, हमें किसी पर यकीन नहीं है। हमारे लिए अब हर किसी की बात मशकूक है। अब हम किसी का यकीन नहीं करेंगे। अहमद जलालुद्दीन पाशा, आपसे आपका ओहदा वापस लिया जाता है। एक पाशा की हैसियत से हय्यत मखसूसा का हिस्सा रहेंगे और सिपाहियों की सरपरस्ती करेंगे, लेकिन अब आप जासूसों के सरबराह नहीं हैं। इसकी वजह आप पर होने वाला शक नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ एक वजह है, हमारी हुक्म अदूली करके इस्माइल पाशा पर गोली चलाना। चलो,
दरवाजे पे हाथ से दस्तक दी गई है, जगह संभाल लो। ये चाल है। यहां से निकलने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो यार चलो चलो। चलो बाहर निकलो, शाबाश। मैं इल्तिजा करता हूं, माफ कर दें। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हें गोली मार दूंगा। खून रेजी के बगैर आजादी का हसूल मुमकिन नहीं। आजादी, आजादी। कमांडर, उस आदमी को बांध दिया है मैंने, अब ये क्या है कमांडर? ये करना क्या चाहते हैं? वो रियासत बनाना चाहते हैं उस्मान। उनके पास रियासत नहीं है लेकिन उसका सरमाया है। रियासत होने के कुछ असबाब हैं और सरमाया उनमें से एक है। बर्तानवी इतने पुरतमाद हैं कि जब किसी सरजमीन पर हमला करते हैं तो अपने साथ जहाजों में अपनी रकम भी लाते हैं। एक तरह से इन्हें बर्तानिया की रहनुमाई हासिल है, ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चलो कारकुनों से बात करते हैं। जनाब हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ मुलाजिम हैं। ठीक है ठीक है। कमांडर यह आदमी फ्रांसीसी है। मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? हम जिसे आपने बांधा है उसके लिए काम करते हैं। जनाब ये झूठ बोल रहा है, कसम खाता हूं ये मेरे लिए काम नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ ईमानदारी के साथ बताओ। मैंने आपको बताया है जनाब, बताया है। मैं इस काम का सरबरा नहीं हूँ, ये लोग सिर्फ मुझे जानते हैं। मैं तो बस मुलाजिम हूँ जनाब। तुम्हारा सरबरा कौन है बताओ? मुझे तीन के ऐवान ने ये काम दिया है। सुल्ताने मौसम, हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चली गई है पाशा। हमें एक कुएं में धकेल दिया गया है और ये कुआं बहुत तारीख है। इस वजह से हमें किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। अहमद पाशा के बारे में हमें बहुत से शुभात हैं, लेकिन अहमद पाशा ने हमें बचाने के लिए एक कदम उठाया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, नहीं मालूम कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। आइंदा हम हर दोस्त और दुश्मन के साथ एक जैसा मामला रवा रखेंगे। वो कैसे? अर्तुरुल दस्ते के सिपाहियों को तलब कीजिए, वो पाशा हजरात का ताकुब करेंगे, वो उनके हर कदम पर नजर रखेंगे। अब हमें किसी पर भरोसा नहीं है। आपके अलावा पाशा, आपके अलावा हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी होगी और उस बुनियाद में आप, हम और इस्माइल हक्की साहब होंगे। हर खुफिया हुक्म का सिर्फ हम तीनों को ही इल्म होगा। और महमूद पाशा? वो तो चल नहीं सकते, वो सैलानिक जाकर ये सारी मंसूबा बंदी नहीं कर सकते। हम तहकीकात करेंगे, हमें उन पर भी शक है। कैसा शक सुल्तान-ए-मौसम?
हो सकता है कि वो सेहतमंद हो पाशा, क्या आपने नहीं सोचा ये? तबीबों ने कहा कि वो चल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये एक चाल भी हो सकती है। हम इसकी जांच करेंगे, उनका इम्तिहान लेंगे, और ये आप करेंगे पाशा। अगर वो इम्तिहान पर पूरा उतरे तो वो भी हमारी बुनियाद में शामिल हो जाएंगे। सुल्तान मौसम और दूसरे पाशा हजरत, वजीर आजम साहब, उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में तमाम मामलात को बखूबी निभाया। अब हम उनके कामों पर भी नजर रखेंगे और वो बाकी पाशा हजरत के साथ इकदामात करेंगे। अर्तुरुल दस्ते के सिपाहियों को तलब कीजिए और उन्हें हमारे पास भेजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। इन अखबारात में जब आजादी का ऐलान किया जाएगा तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी तस्वीर सबसे ऊपर लगी हो, तलत साहब? नहीं, हरगिज नहीं। मैं चाहता हूं मेरा नाम भी शामिल ना हो, लेकिन हाँ, एक बात है, आजादी की तस्वीर खुद बनाना चाहूंगा मैं। अगर आप आजादी की तस्वीर बनाए तो क्या होगा उसमें? पहले एक बड़ा झंडा होगा, चांद और सितारा, फिर एक नारा जिस पर आजादी, मसावात और अखुवत लिखा होगा। इस नारे के पीछे एक मुत्तहिद कौम और एक मजबूत फौज होगी, चाकू वाली बंदूकों के साथ। अगर चाकू वाली बंदूक लिए कोई फौज आ रही है तो उन बंदूकों का कोई हदफ भी होगा। बिल्कुल है, उस्मानी ताकत, उस बंदूक का निशाना उस्मानी तख्त पर बैठने वाले होंगे। अच्छा, तो आपका बंदूक उठाने वालों के बारे में क्या ख्याल है? तलत साहब, आप तो सिपाहियों को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, मुहाफिजों को देखकर खौफजदा हो जाते हैं, अपनी तहरीरें छुपाने की जगह नहीं मिलती आपको। बैठ जाइए। नहीं, बैठने नहीं आया हूं। हम ऐसे इंसान के साथ नहीं बैठना चाहते जिसे कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तलत साहब, कुछ ही देर में यहाँ सिपाही आ पहुंचेंगे। अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपके साथ बैठ गया तो वो चले जाएंगे। हमने अपना मुद्दा बयान किया, आपको अपने साथ होने की दावत दी, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर आपने जवाब नहीं दिया। तो बताएं अब क्या करूं मैं? यहां बैठ जाऊं या फिर खड़ा रहूं? हर जगह में एक रूह होती है, हर चीज में रूह मौजूद होती है। इस कुर्सी और मेज ने कई बरस हमारा साथ दिया, हमारी अलालत की वजह से इन्हें भी आराम का मौका मिला। सुल्तान मौसम, मुझसे पूछें तो इन चीजों को भी आपकी हालत का गम होगा। इस्माइल हक्की साहब,
हम एक अहम फैसला करने वाले हैं और हमें आपकी और तहसीन पाशा के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। अल्लाह गवाह है कि हमें इस बात पर यकीन है कि आप दोनों के दिल में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम। इस्माइल हक्की साहब, पाशा हजरात में से कुछ मुख्तलिफ इकदामात में मुलव्वस हैं, हम नहीं जानते कि वो कौन कौन है। अगर हम सबको सजा दें तो ये जुल्म होगा, और अगर किसी को सजा ना दी जाए तो कमजोरी। हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए? सुल्तान मौसम, हमें उन पाशा हजरात के साथ काम करना होगा जिनकी औलाद नहीं। इस्माइल हकी साहब, इस मामले में औलाद का क्या ताल्लुक? सुल्तान मौजम, एक दफा एक बादशाह को एक कीमती और खूबसूरत कपड़ा तोहफा दिया गया। बादशाह ने अपने दर्जी को बुलाया और कहा कि इस कपड़े से मेरे लिए लिबास तैयार करो। उस दर्जी ने कपड़े की जांच की और फिर बादशाह का नाप लिया। फिर बादशाह को कहा कि इससे आपका लिबास नहीं बन सकता, ये कपड़ा कम है, लिबास के लिए काफी नहीं। दूसरे दिन महल में किसी और दर्जी को बुलाया गया, उसने कपड़े की जांच की और बादशाह का नाप लिया। फिर दर्जी ने नाप के मुताबिक अंदाजा लगाकर कहा कि ठीक है, मैं इस कपड़े से आपका खूबसूरत लिबास तैयार कर दूंगा। कुछ ही दिनों में वो एक खूबसूरत लिबास तैयार करके बादशाह की खिदमत में ले आया। इसी तरह कुछ अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह शहर में निकला हुआ था, जब उसने देखा कि एक छोटे बच्चे ने उसी कपड़े का बना हुआ लिबास पहना हुआ है। उसने पूछा कि यह बच्चा कौन है, तो मालूम हुआ कि यह बच्चा उसी दर्जी का है जिसने बादशाह का लिबास तैयार किया। दर्जी को महल में तलब किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें मेरे लिबास जैसा कपड़ा कहां से मिला कि तुमने अपने बच्चे के लिए भी वैसा लिबास बना दिया? दर्जी ने बादशाह को जवाब दिया कि मैंने आपके लिबास से बचे हुए कपड़े से उसका लिबास बना दिया। बादशाह काफी हैरान हो गया और उसने दर्जी से कहा कि मैंने अपने महल के दर्जी को बुलाया था, मगर उसने कहा कि इससे मेरा लिबास नहीं बन सकता, और तुमने उसी कपड़े से मेरा लिबास भी तैयार कर दिया और अपने बेटे का भी, ये कैसे किया तुमने? तुम्हारे इस काम से मैं वाकई बहुत हैरान हूं। दर्जी ने बादशाह की तरफ देखा और कहा कि दरअसल आपके दर्जी का बेटा मेरे बेटे से बड़ा है। अगर उसने कहा कि लिबास तैयार नहीं हो सकता तो उसके पीछे वजह यही होगी। यानी सुल्तान मौज़म, मेरे कहने का मतलब भी यही है कि आपके अतराफ में ऐसे लोग हों जिनकी औलाद ना हो, ताकि वो किसी लालच में ना पड़ जाए, ना किसी खौफ का शिकार हो, और रियासत के लिए वो जो भी काम करें खुलूस से, दिल से करें, रियासत के अलावा उनके जहन में किसी और चीज का ख्याल ना हो। अगर पाशा हजरात में से कोई आपके साथ गद्दारी कर रहा है तो जरूर उसमें उनको अपना जाती फायदा दिख रहा होगा। अगर वो कोई चाल चल रहे हैं और आप ये फर्क नहीं कर पा रहे कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन, तो अपने और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं इस्माइल हक्की साहब, लेकिन फिर भी मशवरा करना जरूरी था। हमें तहसीन पाशा की तरह आप पर भी मुकम्मल भरोसा है। हम आपको अपना हमराज बनाना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? सुल्तान मौज़म, महल से बाहर भी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत से लोग हमारा साथ, हमारी नसीहत के मुंतजिर हैं, लेकिन आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, जैसा आप चाहें। बहुत शुक्रिया इस्माइल हक्की साहब, अब आप हमारे हमराज हैं। तहसीन पाशा की तरह आप भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लगातार चले जाएंगे वो। क्या आप मेसन लॉज में शमूलियत कबूल करते हैं तलत साहब? तलत साहब, अगर आप ये पेशकश कबूल कर लें तो तमाम सहूलियात से मुस्तफीद होंगे, और आप अपने इजलास ऐसी जगहों पर कर सकेंगे जहां छापे का कोई इम्कान ना हो, और फिर आपको
अपनी तहरीरों को छुपाने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। सबसे अहम बात कि आपके पीछे एक बड़ी ताकत मौजूद होगी। जनाब कारासू, लेकिन वो अब तक यहीं है। बेटी, ये सिपाही यहाँ आखिर क्यों आए हैं? वो हर हफ्ते आकर मेहमानों की फहरिस्त देखते हैं, ये उनका मामूल है। अच्छा, कुछ देर में चले जाएंगे। अब आपको यकीन आया? सच बताइएगा कि आपको यकीन आ गया ना? मुझे यकीन है। मैंने सोचा था कि मेरी शिकायत सिपाहियों से आपने की होगी। देखिए दलित साहब, अगर आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो आपको सिपाहियों से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और मेरे ख्याल में आप शामिल होने पर राजी हैं, क्योंकि इस वक्त हम एक साथ एक ही मेज पे बैठे हैं। मैं आपके आने से पहले ही राजी हो चुका था, मगर मेरी कुछ शराइत है। तो फिर हमारी भी कुछ शराइत होंगी। हमें असलाह तरसील की जगह पर यह रकम भी मिली है, फिर मैंने तकसाल पर छापा मारा। तीन का ऐवान ये काम कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल में यह मामला ऐवान पर खत्म नहीं होता, वो महज प्यादा है। मामला बड़ा है, ये गुंडा करती नहीं है। जनाजगाह, तंजीम, अखाड़ा, आपकी गलत फहमी है। हम बिला वजह किसी भी चीज पर शुभ नहीं करते चाचा। वो लोग यहां आकर नोटों की छपाई कर रहे हैं, यकीन है मुझे। वो लोग रियासत का नमक खाकर इसी पर हुकूमत करने के लिए एक दूसरी रियासत का ख्वाब देख रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या वहां पर शक है आपको? मैं नहीं जानता कि इसमें उसका क्या किरदार है, मगर छपाई करने वाली मशीनें उन्होंने वहाब से खरीदी हैं। अगर वहाब इसमें मुलव्वस हुआ तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हाथ तुम्हारा और चाकू मेरा होगा अशरफ। अगर वो इसमें मुलव्वस है तो उसकी जान ले लो, लेकिन पहले उससे अच्छी तरह पूछ लो। वहाब कभी कभार अपने फायदे का काम करता है, मगर वो रियासत, परचम और अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करता। ये उसकी तरबियत में नहीं है। हमारी तरबियत में इस किस्म के काम की जवाब तलबी शामिल है चाचा। मेरा फर्ज है कि मैं उन लोगों के लिए डरावना ख्वाब बन जाऊं जो गफलत में सोते हैं और गद्दारी में जागते हैं। तो ठीक है, फिर ठीक है। अब्दुल हमीद के तमाम मुखालिफिन को मुत्तहिद करके उसे मासूल कर देंगे। कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन मैं पुरजोश हूं। यही तो मैं चाहता हूं। हम रियासत को आगाह करेंगे कि अशरफ अजीज गुंडों में शामिल हो चुका है। हम उसके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करेंगे। ये लोग तुलबा नहीं बल्कि गद्दारों का टोला है। अब पाशा, मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं। महल से खबर आई है, तुलबा पर गोली ना चलाने का हुक्म दिया गया है। तुम फौरन महल जाओ और बताओ कि हमारे सिपाहियों के वकार का मजाक बनाया जा रहा है।